अलीराजपुर जिले के जोबट में बिलासा के रहने वाले विद्यार्थी के साथ इंदौर में हुई घटना के विरोध में हिंदू युवा जनजाति संगठन के नेतृत्व में आज गृह मंत्री के नाम जोबट SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम बिलासा में रहने वाले विद्यार्थी पढ़ाई के लिए इंदौर में रहते हैं, जहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय के कुछ युवकों द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे हिंदू समाज व हिंदू युवा जनजाति संगठन में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोश हिंदू युवा जनजाति संगठन व हिंदू समाज ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। इंदौर में पढ़ाई के लिए गए छात्र छात्राओं के लिए शासन से उचित सुरक्षा व्यवस्था की मांग की, ताकि इंदौर में भयमुक्त होकर विद्यार्थी पढ़ाई कर सके। क्या मांग की गई जी? देखिए, पूरे देश में मुस्लिम समाज द्वारा भयानक हिंसक घटनाएं कर रहे हैं। जैसे एक हमारे इंदौर में एक हमारे समाज के युवक के साथ घटना घटी है, उन्होंने जबरन गलत आरोप लगाकर बुरी तरीके से पीटा था, और उनके खिलाफ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो सामान्य धाराएं लगाई गई है उनको हटाकर कठोरतम धाराएं लगाकर रासुका के तहत उन आरोपियों को जेल में डाला जाए, ताकि पूरे प्रदेश में जितने अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चों को इंदौर में पढ़ने भेज रखा है, उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि हमारे बच्चे इंदौर में सुरक्षित है, प्रदेश में सुरक्षित है। ऐसा संदेश प्रदेश सरकार को देना चाहिए, इन अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करना। इसी मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। अच्छा, ये मांग अगर पूरी नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई की, आगे आंदोलन किया? प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे कि ये ऐसी घटनाएँ घटित ना हो और अपराधियों के हौसलों को कठोरतम कार्रवाई से ही तोड़ा जा सकता है। ऐसा हम मांग करेंगे सभी जगह प्रदर्शन करेंगे।